हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम सिर्फ बात करेंगे बैटरी कार की। अगर आप आ रहे हैं माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए तो आपको वो बैटरी कार के बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी कि कब, कैसे और किस तरीके से बैटरी कार चलती है, किस तरीके से आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, कितना किराया है, कब कब बैटरी कार आपको मिलती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ छोड़ती है और वापस कहाँ से मिलती है और कहाँ छोड़ती है, आने जाने के किराए में क्या अंतर है, ये सब कुछ आज आपको हम बताएँगे। अर्धकुमारी पहुँचते हैं, उसके ठीक आधे किलोमीटर पहले यहाँ मिलती है बैटरी कार। और अभी देखिए यहाँ पे ऑफलाइन की बुकिंग के लिए लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। और अभी समय हो रहा है, अगर समय की बात करें तो अभी समय हो रहा है 11:30 के आसपास और 1 बजे की, अब 1:30 बजे की अब अगली गाड़ी है, मगर तभी इससे लोग लाइन में हैं कि उनको गाड़ी मिल जाए और यहाँ से वो आगे जा सकें। ऑनलाइन जिसकी पर्ची होती है वो यहाँ से आराम से जा सकता है, जैसे हमारी ऑनलाइन पर्ची है तो हम यहाँ से आराम से आगे जा सकते हैं गाड़ी में बैठ के। और गाड़ियाँ आगे चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर वेटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनकी कार की बुकिंग होती है, उन लोग यहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा प्लान। और यहाँ पर देखिए कई चीज़ खाने पीने की भी है और एक यहाँ पे कार चार्ज में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं और इसी से लोग आगे जाते हैं। अभी फिलहाल 4 और 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये गाड़ियाँ हैं जो आगे तक जाएंगी और यहाँ पे उनकी चार्जिंग स्टेशन है। और ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है यहाँ पर चार्ज हो रही है। ये है पूरा यहाँ का। और ये गाड़ी देखिए आ रही है ऊपर से लोगों को लेकर, अब यहाँ पर रुकेगी, इन लोगों को यहाँ ड्रॉप करेगी और ड्रॉप करने के बाद चार्ज में लग जाएगी। तो ये है गाड़ी। तो ये गाड़ी लग गई है, तो अब यहाँ से ड्राइवर भाई उतर रहे हैं। भाई एवरेज क्या देती है, एक बार चार्ज होने में कितना किलोमीटर जाती है? 40 किलोमीटर। तो एक बार ये चार्ज होने में 40 किलोमीटर जाती है। और कितनी सवारी जाती है एक बार में ये गाड़ी में? 7। तो 7 सवारियाँ जाती हैं। अगर आप अर्धकुमारी से भवन की तरफ जाते हैं तो आपको 354 रुपये प्रति व्यक्ति किराया देना पड़ेगा। वहीं अगर आप भवन से अर्धकुमारी की तरफ जाते हैं तो 236 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी कम लगती है तो किराया कम लगेगा, और आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बैटरी की ज़्यादा लगती है, इस वजह से किराया ज़्यादा लगेगा। बैटरी कार जो है वो 7:00 बजे से 10:00 बजे तक चलती है। ऑनलाइन बुकिंग आप कभी भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुकिंग होती है मगर उसकी सीट की संख्या काफ़ी कम होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बुकिंग करें तो कैसे करें, तो आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर या एप्पल फ़ोन पर iOS पर आप माँ वैष्णो देवी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब भी आप आएँ तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि ऑनलाइन में सीटें बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं, ऑफलाइन में भी सीटें काफ़ी कम रहती हैं। अगर आप ऑनलाइन करा के आएंगे तो आपको काफ़ी आराम रहेगा और दर्शन करने में काफ़ी आराम से आप जा सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।